चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच बुधवार को सेना प्रमुख एमएम नरवणे लेह पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की, साथ ही अन्य जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के समीकरण के ध्यान में रखते हुए एक नया कदम उठाया है। लखनऊ में रहने वाले अखिलेश यादव का अब आजमगढ़ में भी कैंप आवास होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। अकेले अवध में 377 जगह होंगे, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से एक एसओपी यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा है। ये एसओपी कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए तैयार करने को कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वाटर स्पोर्ट्स, नौका विहार, इंडोर एंटरटेनमेंट गतिविधियों और टूरिस्ट प्लेस को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ब्रिटेन से आए लोगों की पहचान और कोरोना जांच की जा रही है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण नववर्ष मनाने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गहलोत सरकार का कहना है कि ये कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए किया गया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने DGCA से कहा कि वो फिरोज शाह कोटला के स्टैंड से उनका नाम हटा दे। इन दिनों अनिल कपूर अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट AK वर्सेस AK को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा वे अपनी फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग भी कर रहे हैं। काम के बीच एक्टर ने अपने पिता के बर्थडे पर उन्हें याद किया। भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा का कहना है कि कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजों के कप्तान हैं और अपने शांत स्वभाव और खिलाड़ियों से स्पष्ट संवाद के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी 3 मैचों में अच्छी कप्तानी करेंगे। पहले टेस्ट में मिली शर्मनाक हार को भूलकर भारतीय क्रिकेट टीम ने कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ शनिवार से शुरू हो रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है।